2018 का सबसे बड़ा क्लैश था 25 जनवरी 2018 क्योंकि एक साथ अक्षय कुमार अपनी ही दो फिल्मों को रिलीज करने के लिए अड़ गए थे। दरअसल अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर 2.0 भी इसी दिन रिलीज होने वाली थी कि अक्षय ने अपनी फिल्म पैडमैन की रिलीज डेट भी इसी दिन अनाउंस कर दी। लेकिन अक्षय इतने भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। अब खबर है कि ये महाक्लैश टल गया है और जाहिर सी बात है कि अक्षय कुमार इतनी बड़ी बेवकूफ ही नहीं कर सकते, तो ये महाक्लैश भी प्लान रहा होगा। अक्षय कुमार स्टारर 2.0 के पोस्टपोन होने की खबरें काफी समय से थीं। अब अगर सूत्रों की माने तो ये तय है कि फिल्म तमिल न्यू ईयर 13 अप्रैल 2018 को रिलीज होगी। वहीं 25 जनवरी को अक्षय कुमार की पैडमैन सिद्धार्थ मल्होत्रा की अयारी के साथ क्लैश भी होगी। दिलचस्प ये है कि अयारी नीरज पांडे की फिल्म है। नीरज पांडे और अक्षय कुमार की ट्यूनिंग के बारे में तो सब जानते हैं। नीरज ने ही अक्षय को सीरियस सिनेमा और देशभक्ति फिल्मों का सुपरस्टार बना दिया। अब देखना है कि वाकई ये तीन फिल्में एक ही दिन रिलीज होंगी या फिर कुछ आगे पीछे होगा। देश काबिल वीएस रईस क्लैश होने के बावजूद दोनों ही फिल्मों ने अच्छी खासी कमाई की और 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनी। एयरलिफ्ट फिल्म 26 जनवरी वीकेंड को रिलीज हुई और लोगों को इतनी पसंद आई कि धीरे धीरे ही वहीं पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 126 करोड़ की कमाई कर ली थी। जय हो 26 जनवरी पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली है सलमान खान की जय हो। फिल्म 24 को रिलीज हुई थी और 26 को 24 करोड़ की कमाई की थी। रेस 2 हालांकि फिल्म 25 जनवरी को ही रिलीज हुई थी लेकिन फिर भी फिल्म ने 26 जनवरी को 20 करोड़ की कमाई की थी। अग्निपथ ऋतिक रोशन की अग्निपथ के लिए भी 26 जनवरी वीकेंड लक्की साबित हुआ था। 2012 की इस फिल्म ने ओपनिंग डे के लगभग ही 26 जनवरी को भी कमाई की थी 23 करोड़ रुपए की। बेबी 2015 में आई अक्षय कुमार की बेबी ने 26 जनवरी को लगभग 15 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मात खा गई थी। धोबी घाट 26 जनवरी को आमिर खान की मल्टी स्टारर धोबी घाट भी रिलीज हुई थी और फिल्म ने लगभग 12 करोड़ कमाए थे। अयारी वीज पैडमैन अब 2018 जनवरी में अक्षय कुमार की पैडमैन नीरज पांडे की फिल्म अयारी से बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करेगी।